हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैस्टो कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम जब बात करते हैं तो तीन टर्म्स आती है, दैट इज हजार्ड, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी। तो आज हम इन तीनों के मीनिंग्स देखते हैं। तो हजार्ड की बात करते हैं। हजार्ड क्या होता है? हजार्ड एक सोर्स है या सिचुएशन है जिसमें पूरा पूरा पोटेंशियल है या पूरी पूरी उसमें जो है दमखम है आपको किसी तरह से हार्म पहुंचाने का, राइट? या तो आपकी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, या आपको इंजुरी कर सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकता है, या इन सबको मिला जुला के कुछ ना कुछ डैमेज कर सकता है। हजार्ड मतलब ऐसी कुछ भी कंडीशन, ऐसा कुछ भी सोर्स जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, वो होता है हजार्ड। पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं तीनों की, फिर हम उनके टाइप्स देखेंगे। और हम एक डेफिनेशन देखते हैं हजार्ड्स की। हजार्ड इज समथिंग विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज इंजुरी। और साधारण भाषा में अगर देखें, जैसे कि हैवी ओवरबर्डन ऑन द एज ऑफ एक्सकेविशन, जहां खुदाई हो रही है वहां पर उसकी एजेस जो है उस पर ज्यादा वजन होना, तो हजार्ड वहां पर भी हो जाएगा। अब और हम बात करें हजार्ड और रिस्क की, तो हजार्ड एक सोर्स है जो कि हम देख चुके हैं जिसमें कि एडवर्स इफेक्ट करने के, डैमेज करने के चांसेस रहते हैं या पोटेंशियल रहता है। रिस्क क्या है? रिस्क वो पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सीडेंट होके रहेगा या वो हजार्ड में नुकसान पहुंचाएगा, रिस्क ही होगा। तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हजार्ड ऑक्यूरिंग एज वेल एज द सीवियरिटी दैट हजार्ड में प्रेजेंट। रिस्क हमें एक तरह से एक स्कोरिंग या कॉम्बिनेशन दे देगा कि वो हजार्ड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो जो हजार्ड है वो हमारे लिए कितना सीवियर है। मतलब वो रिस्क मतलब ये होगा कि वो हजार्ड जो प्रेजेंट है वहां पे वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है और किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। रिस्क की ओर हम देखते डेफिनेशन, तो रिस्क जो है वो है लाइकलीहुड दैट हजार्ड विल रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट। रिस्क मतलब वो संभावना कि वो हजार्ड हमें नुकसान पहुंचा के रहेगा, एक्सीडेंट करके ही रहेगा। रिस्क ऑल्सो कंसिडर्स हाउ सीरियस द रिजल्टेंट इंजुरी वुड बी। रिस्क ये भी हमें बताता है कि वो कितनी खतरनाक रहेगी, वो इंजुरी कितनी सीरियस रहेगी। अगर हम बात करें रिस्क की, तो रिस्क होता है कॉन्सिक्वेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द रिलीज ऑफ अ हजार्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ दैट इवेंट। रिस्क मतलब कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी, राइट? और हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी मतलब अरक्षितता, ससेप्टिबिलिटी टू इंजुरी और अटैक, मतलब वो चीज, वो पॉपुलेशन या वहाँ जो भी रह रहे हैबिटेंट्स, वो कितने ससेप्टिबल है उस इंजुरी या उस अटैक से, उस रिस्क से, उस हजार्ड से। तो वल्नरेबिलिटी describes the characteristics and circumstances of a community, system or asset. इसीलिए मैंने कहा वहाँ जो habitats है, community भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है, जानवरों की भी हो सकती है, पेड़ पौधों की भी हो सकती है, वहाँ का ecosystem भी हो सकता है। तो vulnerability जो है community की, system की और asset की, जो कि उस जगह मतलब वो कितनी ज़्यादा उस prone है उस hazard के लिए, ठीक है, वो कितना ज्यादा डैमेज होगी उस हजार्ड से, वैसा है। देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम वेरियस फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कई तरह के फैक्टर्स काम करते हैं, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वल्नरेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। वल्नरेबिलिटी को अगर मैं सीधी टर्म्स में बात करूँ तो वो ये है कि कितनी ज्यादा वहाँ की जो पॉपुलेशन है या इको सिस्टम है या जो भी सिस्टम है, कम्युनिटी है, वो कितनी ज्यादा उस हजार्ड्स के लिए ससेप्टिबल है, मतलब कितनी ज्यादा उनके साथ वो होने की संभावना है। जैसे अगर कोई कोस्टल एरिया पर रहता है और कोई पठार पर रहता है, तो कोस्टल एरिया वालों को साइक्लोन्स आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, वो ज्यादा ससेप्टिबल रहेंगे, प्रोन रहेंगे साइक्लोन्स के लिए बजाय कि पठार के लोगों से। तो ये फर्क है। वल्नरेबिलिटी मतलब वो उस जगह के कारण या उसके कारण जो है कम्युनिटी कितनी इफेक्ट हो रही है। तो आई होप आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई होगी, हजार्ड, रिस्क और वल्नरेबिलिटी की। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।